वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग वेरी गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आज से हम एम की आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए भूगोल और कंप्यूटर के जो भी नए जुड़े हुए टॉपिक हैं और नए टॉपिक के साथ साथ जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से सवाल आने की संभावना ज्यादा है और जिनको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है हम उन सभी टॉपिक का अध्ययन आज करेंगे उन सभी टॉपिक की बात आज से हम इस क्लास में करना शुरू करेंगे तो दोस्तों एक बार फिर से हम YouTube पर एक सीरीज लेकर के आए हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5 मार्च के बाद निश्चित तौर पर हम यूट्यूब पर एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी होगी जो आपके पूरे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी उम्मीद यही है कि जो भी सेशन 28 अप्रैल तक मैं यहां पर लेने वाला हूं उन सभी सेशन से आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी और हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं हम पढ़ने के साथ साथ प्रश्न भी लगाएंगे अगर आप लोग पहले से मुझसे पढ़ते आए हैं तो आप जान रहे होंगे कि तीन चार चीजें बड़ी कॉमन होती हैं हमारी क्लास में सबसे पहले प्रॉपर नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक अभी आपको पिन कर दी जाएगी तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको हर दिन क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में इसके अलावा हम टॉपिक तो कंप्लीट करेंगे ही पर उसके साथ साथ हम प्रश्न भी लगाएंगे हम एम भी लगाएंगे तो एक कंप्लीट जो कंप्लीशन होता है ना वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए ये क्लास को अटेंड करने के बाद कि हाँ अगर मैंने एक बार भारत की झील पढ़ लिया है या भारत का मानसून पढ़ लिया है भारत की फसलें पढ़ ली हैं तो अब मुझे दूसरा कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ये क्लास क्लास के नोट्स और क्लास में लगवाए जाने वाले प्रश्न इतना कंटेंट आपकी तैयारी के लिए सफिशियंट होगा तो अगर आप ये क्लासेस करने वाले हैं तो आप अश्योर कि इस क्लास के बाद इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई दूसरी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो पहले मैं आपको ये बता दूं टॉपिक शुरू करने से पहले कि आखिर आने वाले समय में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे तो देखिए मैं दो विषय आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों अब यूनिट टेन भी मैं पढ़ाता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार यूनिट टेन हट गई है और यूनिट टेन जो नई जुड़ी हुई है वो मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है और प्रमोद राणा सर उसकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी ले रहे हैं तो दो इकाइयां हैं जो हम आपको कंप्लीट करवाते आए हैं आप जानते हैं कि मैं आपको भूगोल पढ़ाते आया हूँ जोग्राफी पढ़ाते आया हूँ और भूगोल के साथ साथ जो कंप्यूटर वाली यूनिट है अर्थात आईसीटी वाली जो यूनिट है ये दो टॉपिक हमने पढ़े हैं अगर आपने पुराने भी आईसीटी के वीडियो देखे हैं तो वो खराब नहीं जाएंगे आज भी उनका उतना ही महत्व है आज भी वहां से उतने ही प्रश्न आ रहे हैं जितने प्रश्न पहले आ रहे थे ठीक है तो अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें से हम क्या क्या पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा तो सबसे पहले हम भूगोल की बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं जो, जो टॉपिक मैं आपको मार्च के महीने में कंप्लीट कराऊंगा हम इसी महीने में पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ाएंगे सर आप यूट्यूब पर एक बार बता दें ठीक है तो मैं सिलेबस के साथ आपको चीजें बता देता हूं, ज्यादा बेहतर क्लियर होगा तो देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको झीलों के बारे में पढ़ाऊंगा नंबर वन ये हमारा पहला टॉपिक होगा फिर दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा ये भारत की जनांकिकी होगा इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रामीण और नगरीय प्रवास अर्थात रूरल और अर्बन माइग्रेशन ये पूरे टॉपिक हम दो क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे दो क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा फिर तीसरा टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएंगे वो होगा प्रमुख फसलें नंबर थ्री चौथा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी पांचवा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हरित क्रांति पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ये टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे ठीक है छठवें टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे जलवायु की घटनाएं ये पूरा टॉपिक जिसमें एलनिनो लानिनो दक्षिणी दोलन पश्चिमी विक्षोभ जलवायु परिवर्तन के परिणाम इंग्लिश में El -nino, Lanino, Southern Western Dis और के रिजल्ट इसके लिए मुझे कम से कम चार क्लासेस लगेंगी। क्योंकि दोस्तों इस बार प्रॉब्लम यह है कि विश्व का भूगोल हटा जरूर दिया गया है लेकिन मानसून भारत की जलवायु का अर्थ होता है भारत के मानसून का अध्ययन करना इंडिया के क्लाइमेट का मतलब होता है इंडिया के मानसून को स्टडी करना क्योंकि हमारी जो जलवायु है हमारा जो क्लाइमेट है वो जलवायु है, है, वो है। पूरे उपमहाद्वीप में पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भारतीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है मानसूनी टाइप का क्लाइमेट है तो उसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक्स को कवर करना पड़ना जैसे हमें आई जेट के बारे में पढ़ना होगा थोड़ी सी जानकारी हमें जेट स्ट्रीम के बारे में भी लेनी होगी थोड़ी सी जानकारी हमें वर्षा के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी लेनी होगी थोड़ा सा हमें वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में पढ़ना होगा अर्थात एटमॉस्फ़ेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना होगा क्योंकि एम कहीं से भी बन सकता है एम जो है वो कहीं से भी बन सकता है दोस्तों तो हमें इन सभी पहलुओं के बारे में बात करनी होगी हमें इन सभी अप्रोचेस को कवर करना होगा तब जाकर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट करेंगे ठीक है तो नंबर सिक्स हो गया फिर नंबर सेवन हम क्या पढ़ा देंगे आपको मिनरल जो भी नया डेटा है उसके साथ हम आपको मिनरल पढ़ा देंगे नंबर एट ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत पढ़ा देंगे नंबर में हम भारत में प्रमुख चक्रवात पढ़ा देंगे इंडिया के इम्पोर्टेंट साइक्लोन पढ़ा देंगे तो ये नौ टॉपिक मैं मार्च के महीना खत्म होते होते आपको यूट्यूब पर कंप्लीट करा दूंगा अब आप देख लीजिए तो लगभग 80 प्रतिशत सिलेबस हो गया ऑलमोस्ट 80 परसेंट सिलेबस हो गया जी हाँ हमारी क्लास डेली रहेगी पांच दिन हमारी कक्षा रहेगी सोमवार तो से लेकर के शुक्रवार तक रोज रात में आठ बजकर के पैतालीस मिनट पे हमारी कक्षा शुरू होगी और जब तक हमारा मन करेगा कि सर दस बजे तक पढ़ लें साढ़े दस तक पढ़ लें आपका जब तक साथ रहेगा तब तक हम इस क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे ठीक है बाइलिंग नोट्स रहेंगे सुनील सारे नोट्स बाइलिंग रहेंगे दोस्त उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है नहीं मैं आपका कॉमेंट भी देख रहा हूँ मन इशू ये है कि आज ये क्लास तीन चैनल पर जा रही है तो अलग अलग जगह के कमेंट देखने पड़ रहे हैं ठीक है थीके? इसलिए थोड़ा सा इश्यू जा रहा है तो कंप्लीट करा दूंगा काम बन जाएगा इतने टॉपिक आपके लिए सफिशियंट तो ये टॉपिक मैं आपको मार्च के महीने में कंप्लीट करा रहा हूं ठीक है सर ये तो बात हो गई कि जो भी चीजें हैं आप बता रहे होंगे जोग्राफी के बारे में अब इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में ठीक है बाइलिंग रहेंगे अभी देखो सारे नोट्स इस तरीके से रहेंगे जैसे लिखा हुआ है भारत की झीलें तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेक्स ऑफ इंडिया तो होंगी सारी क्लासेस अब अगली बात समझ लो कि सर ये जोग्राफी की बात हो गई भूगोल में बहुत सारे टॉपिक आप कंप्लीट करा रहे होंगे कंप्यूटर वाली यूनिट में क्या कवर करेंगे आईसीटी में हम क्या पढ़ेंगे तो आईसीटी में जितने भी पुराने वीडियो मैंने बनाए हैं वो सारे आज भी रिलेवेंट हैं अपडेट किस में आया है तो हम उसकी बात करेंगे देखो थोड़ा सा अलग से मैं कहूँगा कि एक टॉपिक उन्होंने कंप्यूटर वाला टॉपिक थोड़ा अलग से ऐड कर दिया है तो हम इसको थोड़ा कवर कर लेंगे डिटेल में जान लेंगे तीन वीडियो बना लेंगे दो दो घंटे के ताकि कंप्यूटर के सारे बेसिक्स कवर हो जाए कंप्यूटर के सारे बेसिक्स कवर हो जाए ये हम देख लेंगे अब एक अपडेट जो आता है वो ए वाले टॉपिक में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में आया है एक्चुअल में ए वाले टॉपिक में हमेशा अपडेट होता है क्योंकि ए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इसीलिए इस टॉपिक में हमेशा अपडेट होता रहता है तो इस टॉपिक को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे फिर एक और मुद्दा रह जाता है कि ठीक है सर एआई कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप क्या इसमें एक टॉपिक और है ई e गवर्नेंस ई e गवर्नेंस ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत अपडेशन आता है जिसमें बहुत सारी चीजें तेजी से बदलती हैं सर ई e गवर्नेंस में क्या बदलता है तो ई e गवर्नेंस में बदलाव होता है कि नए पोर्टल आते हैं कुछ नई रणनीतियां आती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा डेवलप हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब गवर्नेंस में भी किया जाने लगा है बाकी जितने भी टॉपिक हैं मेरा सजेशन आपको यही है कि जो मेरे यूट्यूब पर पुराने वीडियोस पढ़े हुए हैं वो आपके लिए मोर देन इनफ है उससे बाहर सवाल नहीं जाता है अब तक जो पेपर का ट्रेंड देखा गया देखो संभावना इस चीज की बहुत कम है कि पेपर आगे पोस्टपोन हो तो इस चीज की संभावना कम है ठीक है अंडरस्टूड यहां तक बात समझ में आई आपको तो इतने टॉपिक में आपको आईसीटी में कंप्लीट करवा दूंगा इतने टॉपिक हम आईसीटी के कवर कर लेंगे ये आपका पूरा सिलेबस में बीस अप्रैल से पहले बिफोर 20 अप्रैल हम करा देंगे यूट्यूब पर ठीक यूट्यूब पर ये पूरा का पूरा सेगमेंट हो जाएगा वाई पर ये पूरा सेशन इसके अलावा भी आपको अगर लगेगा कि सर कुछ और सेशन है जो हम चाहते हैं कि आप ये टॉपिक कंप्लीट करा दें तो अब हम क्लास लेंगे ही आप कमेंट करेंगे ही तो जो भी चीजें होंगी आप मुझे बताते रहिएगा हम उन चीजों को कवर करते जाएंगे पर मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि जितने टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं भूगोल के और आईसीटी के पहले इनको कंप्लीट करा दिया जाए विद एम विद एम हम इस क्लास को कंप्लीट करें ठीक है बात समझ में आई आपको यहाँ तक बात क्लियर है उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात स्पष्ट होगी ठीक चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे टॉपिक को हम शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों आज से हमारा पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है भारत में झीलें, लेक्स इन इंडिया अगर आप सिलेबस में जा के देखेंगे तो ये टॉपिक प्रिलिम्स में भी है और ये टॉपिक मेंस में भी है प्रिलिम्स का जो नया सिलेबस है उसमें आपकी इकाई नंबर तीन का जो पहला पॉइंट है पर्वत पहाड़ पठार नदियाँ और झीलें, तो इसमें ये टॉपिक दिया गया है वहीं अगर आप मुख्य परीक्षा की बात करें तो पेपर वन पार्ट बी जिसमें ज्योग्राफी है उसकी जो यूनिट नंबर वन है तो यूनिट नंबर वन में अगर आप तीसरे पॉइंट में देखेंगे तो वहां भी झीलों वाला टॉपिक दिया गया है अब एक बात आप मान के चले कि चाहे आप मेन्स के लिए पढ़ें चाहे आप मेंस के लिए पढ़ें ये दोनों के लिए लेक कंप्लीट हो जाएगा ये दो क्लास करने के बाद ठीक है चले तो झीलों के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे लेक्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम झीलों के परिचय और वर्गीकरण की बात करेंगे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ हम समझेंगे दोस्तों कि आखिर झील क्या होती है लेक क्या होती है झीलों को कितने प्रकारों में बांटा गया है फ्रेश वाटर लेक, कैसे बनती है, वाटर लेक कैसे बनती है क्रेटर लेक क्या होती है भारत में क्रेटर लेक के एग्जाम्पल क्या है उन सारी बातों का अध्ययन करेंगे फिर हम पढ़ेंगे इसी को डिटेल में कि मुख्य प्रकार और उनके उदाहरण जो हमने यहाँ पर प्रकार जाने हैं उन्हीं को हम और डिटेल में पढ़ रहे होंगे एक-एक लेक के एग्जाम्पल के साथ पढ़ रहे होंगे क्योंकि सवाल ऐसा बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी प्रकार की है निम्नलिखित में से कौन सी झील नदीकृत है अर्थात फ्लुवियल है निम्नलिखित में से कौन सी झील सागर के अपगमन के द्वारा बनी है रिसेशन ऑफ द सी की वजह से बनी है तो उनके उदाहरणों के बारे में हम पढ़ रहे होंगे ठीक है इसके बाद हम भारत की सबसे महत्वपूर्ण झीलों का अध्ययन करेंगे देखिए दोस्तों भारत में एक हजार से ज्यादा झीलें हैं देयर आर मोर देन वन थाउजेंड लेक इन इंडिया एक हजार से भी ज्यादा जो हैं झीलें हैं भारत में तो क्या हम सभी का अध्ययन कर पाएंगे नहीं तो यहां पर पहले मैं आपको दस सबसे इंपॉर्टेंट लेक पढ़ाऊंगा जिनके बारे में हम डिटेलिंग भी करेंगे तो पहले हम उन दस झीलों को याद कर लेंगे उन दस लेक्स को हम याद करेंगे और जब हम उन दस झीलों को याद कर लेंगे इसके बाद हम अन्य झीलों की बात करेंगे मैप के थ्रू मैप रहेगा मैप में एक एक लेक आती जाएगी उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ट्रस्ट में आपको क्लास में ही एक एक झील याद हो जाएगी बस कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना और जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाना चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी और इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगा रहे होंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न जो कि पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं या आगे आने की संभावना है ऐसे प्रश्नों को हम हल कर रहे होंगे तो इतना करने के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसी में मैं आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बना के बता दूंगा और वो अप्रोच भी आपको बता दूंगा जो आपको मेंस के लिए फॉलो करनी चाहिए बेसिकली मेंस को पढ़ने के लिए एक अप्रोच होती है जिसे टेम्पलेट अप्रोच कहा जाता है जितने भी टॉपिक दोस्तों आप मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ते हैं हर टॉपिक का एक टैंपलेट बना के रखिए कि अगर नदी आएगी तो मैं पांच नंबर में इस तरह लिखूंगा अब तो तीन नंबर हुआ करता था तो वो टैंपलेट बना लीजिए कि नदी आएंगी तो ये पॉइंट झीलें आएंगी तो ये पॉइंट पठार आएगा तो ये पॉइंट पर्वत आएगा तो ये पॉइंट ये जिस दिन आपने कर लिया आपके लिए वही तैयारी बहुत आसान हो जाती है चलिए तो अब हम पहले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं पहले समझेंगे फिर हम स्लाइड में चीजों को देख रहे होंगे तो हमारा पहला टॉपिक है झीलों का परिचय तथा वर्गीकरण इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेक समझे इस बात को झीलों के बारे में देखिए दोस्तों हमारी पृथ्वी पर जो भी पानी पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी उपलब्ध है जितना भी पानी उपलब्ध है जितना भी वाटर अवेलेबल है तो उसे सामान्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है एक इसका जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सर सतही पानी उसे हम कहते हैं सतही पानी इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सरफेस वाटर क्या बोलते हैं सरफेस वाटर तो सतही पानी का अर्थ क्या होता है जो पृथ्वी के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है उसे हम सतही पानी का नाम देते हैं जैसे नदी तो नदी का पानी कैसा है सरफेस वाटर का है वो सतही पानी का उदाहरण है और दूसरा पानी कौन सा होता है तो सर दूसरा होता है भूमिगत जल दूसरा कौन सा होता है सर भूमिगत जल होता है जैसे हम ग्राउंड वाटर का नाम देते हैं क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर का दे। तो पहली बात जो आप समझें कि दोस्तों जो झील का पानी है जो झील है तो झील कहां देखने के लिए मिलती है जिसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा भूमि का इलाका है तो इसी में जो गर्त वाला इलाका होगा जो बेसिन होगा ये जो गड्ढा है ना दोस्तों इसी गड्ढे को हिंदी में गर्त कहा जाता है इंग्लिश में इसे बेसिन या कहते हैं तो ये जो गड्ढा है इस गड्ढे में जब पानी भर जाएगा तो यहां पर झील बन जाएगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि झील का जो पानी है वो कैसा पानी होता है तो सर झील का पानी जो है वो सतही पानी होता है। बोलो यस और नो या मैं ये कह सकता हूं कि जो लेक का पानी है वो कैसा पानी होता है सरफेस वाटर होता है अब अगर आप इस पानी को ध्यान से देखें अगर आप इस वाटर को ध्यान से देखें तो ये जो पानी है अगर मान लीजिए कि यहां पर मैंने ये पानी बना दिया तो ये जो पानी है दोस्तों ये चारों तरफ से ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है तो सर ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है भूमि से घिरा हुआ है तो अब यहीं से हमारी पहली परिभाषा बनती है यहीं से हमारा एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि झील ऐसा सतही जल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों झील पृथ्वी पर सतही जल की एक ऐसी राशि है जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है जैसे वो गाना सुने आप लोग कि रसिया गुंडों में घिर गई उसी तरह ये जो झील का पानी है ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा मैं फिर से एक बार परिभाषा रिपीट कर देता हूँ देखिए आप लोग कि भूतल पर स्थित एक ऐसी विशाल सतही जलराशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी हुई होती है उसे हम झील कहते हैं लेक इज अ सरफेस वाटर याद रखिएगा कैसा वाटर है सरफेस वाटर डैट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड बेसिक क्लियर है ठीक है अब इसको थोड़ी और समझे अगले पॉइंट में समझे कि जो झील है इसका अलग अलग प्रकारों से बांटा गया है जो लेक है इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं झीलों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है दोस्तों ठीक है झीलों को क्या किया गया है अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है जैसे एक आधार होता है उत्पत्ति के आधार पर बेस्ड ऑन द ओरिजिन और दूसरा आधार होता है जल की प्रकृति के आधार पर बेस्ड ऑन ऑफ वाटर अब देखो इसको समझे पहले आप कि जल की प्रकृति के आधार पर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वाटर झील को दो भागों में बांटा गया है एक होती है मीठे पानी की झील जिसे फ्रेश वाटर लेक कहते हैं और दूसरा होती है खारे पानी की झील जिसे सैलाइन वॉटर लेक या सॉल्ट वॉटर लेक या ब्रेकिश वाटर लेक के नाम से जाना जाता है अब ये दोनों झीलें बनती कैसे हैं इसके बारे में जरा समझने का प्रयास कीजिएगा देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट वॉटर लेक के बारे में इसी को ब्रैकिश वाटर लेक भी कहा जाता है हिंदी में हम इसे लवणीय झील कहते हैं क्या कहते हैं लवणीय झील तो एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि सर यह एक ऐसी झील होगी जिसके पानी में लवण की मात्रा ज्यादा होगी जिसके पानी में सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होगा मतलब इसके पानी को हम पी नहीं सकते इसके पानी को हम ड्रिंक नहीं कर सकते ये बात तो साफ साफ समझ में आ रही है पर अगला सवाल ये निकल करके आता है कि सर ऐसी झीलों का निर्माण आखिरकार होता कैसे है आखिर इन लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में जरा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, हर एक पानी की ना एक विशेषता होती है मान लीजिए कि यहां पर बहुत सारा पानी है यह मान लीजिए कि बहुत सारा पानी है मान लीजिए कि यह बहुत सारा वाटर है देखो पानी की एक विशेषता है अगर इस पानी में इनफ्लो है अर्थात इसमें पानी आ रहा है और इससे पानी बाहर जा रहा है इसमें पानी आ रहा है और इससे पानी बाहर जा रहा है मतलब इसमें पानी का आउटफ्लो है अगर एक पानी में कहीं से पानी आ रहा है और पानी जा रहा है तो ऐसे पानी में हम कह सकते हैं कि जल जो है वो लगातार रिप्लेस हो रहा है जिसकी वजह से होगा ये कि कभी भी कभी भी यहाँ पर लवण इकट्ठे नहीं हो पाएंगे कभी भी यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के ब्रेकिश कंटेंट होता है वो अक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी अकेला नहीं बहता पानी के साथ हमेशा कंकड़ पत्थर चट्टान मिनरल ये साथ में बहते हैं तो अब यहां से मान लो कि कंकड़ पत्थर अंदर आए सिंपल भाषा में मान लो कि यहां से नमक अंदर आया सॉल्ट अंदर आया लेकिन यहां से बाहर चला गया तो ऐसी झीलें जिनमें इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है ये हमेशा याद रखना मीठे पानी की झील होती है ये हमेशा फ्रेश वाटर की लेक होती है हमेशा मीठे पानी की झील होती है इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूं दोस्तों भारत में एक बहुत प्रसिद्ध झील है जिसे हम वुलर झील के नाम से जानते हैं कहां पर है कमेंट करके बताएंगे आप लोग जल्दी से कि सर वुलर झील कहां पर है पढ़ाया हुआ है अगर किसी ने मेरी मुख्य परीक्षा की क्लासेस की है तो अगर किसी को पता होगा तो बताएगा कि सर यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है अब वुलर लेक जो है दोस्तों ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक यह क्या है इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है अब इसमें विशेषता यह है कि यहां पर एक नदी है जिस नदी का नाम है झेलम तो झेलम नदी यहां से एंटर करती है मतलब इनफ्लो हो गया झेलम का कौन सी नदी है झेलम नदी है। और यहीं से, से बाहर भी निकल जाती तो आउटफ्लो भी हो गया ठीक है पानी अंदर भी आया और बाहर भी चला गया तो क्या यह कभी खारे पानी की झील बन पाएगी नहीं बन पाएगी सर क्योंकि बेसिकली ये बात सच है कि झीलम नदी जब वुलर में प्रवेश कर रही है वो अपने साथ अवसाद लेकर के आ रही है कंकड़ पत्थर लेकर के आ रही है लेकिन जब वो यहां से बाहर जा रही है तो वो पानी के साथ उन कंकड़ पत्थरों को भी बाहर लेकर के जा रही है उन्हें बाहर भी ले जा रही है। तो ये कभी भी खारे पानी की झील नहीं बनेगी इसका पानी कैसा रहेगा तो सर इस झील का पानी फ्रेश रहेगा अर्थात ये मीठे पानी की झील बनेगी ठीक है अब इसी का मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं देखिए दोस्तों एक और झील है जिसका नाम है पैगोंगसो पैगोंग सो लेक।, तो लेक, कोई बताएगा कहां पर है पैगोंगसो लेक, तो पैगोंगसो जो लेक है दोस्तों ये लद्दाख में कहां पर है लद्दाख में है यह भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत चर्चा में भी रहा था पैगोंगसो क्यों चर्चा में रहा था सर इसलिए चर्चा में रहा था पैगोंगसो झील क्योंकि यहीं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में विवाद हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में जो आर्मी है उनके बीच में विवाद हो गया था याद आ रहा होगा आपको ठीक है इसमें आप देखिएगा ये खारे पानी की झील है इसमें कुछ जगह से पानी आकर तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता तो ऐसी झीलों को हम एंडोरिक लेक कहते हैं क्या कहते हैं एंडोरिक लेक कहते हैं या स्थलबद्ध झील स्थलबद्ध झील या इसी को हम कह देंगे कि सर ये खारे पानी की झील है ये ब्रैकिश वाटर लेक है तो सामान्यतः ऐसी झीलें कैसी बन जाती हैं खारे पानी की झील बन जाती हैं सामान्यतः ऐसी झीलें ब्रैकिश वाटर लेक बन जाती हैं अब चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अब हट गया है लेकिन जब विश्व का भूगोल था तो हम वर्ल्ड मैपिंग में एक टॉपिक पढ़ा करते थे और उस टॉपिक का नाम था कैस्पियन सी अब कहने को तो आप उसे कह रहे हैं कि सर एक सागर है लेकिन जो लोग जान रहे हैं उन्हें पता है कि सर कैस्पियन बेसिकली एक झील है क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसका नाम कैस्पियन सी रख दिया गया तो आज क्लास के बाद आप जाइएगा और गूगल पर कैस्पियन सी का मैप देखिएगा आप देखेंगे कि कैस्पियन सागर में बहुत सारी नदियों का पानी आकर के मिलता है तो उसमें इनफ्लो है बहुत सारी नदियां बड़ी बड़ी नदियां आकर के कैस्पियन सागर में गिरती हैं लेकिन उसमें आउटफ्लो नहीं है जिस वजह से वो कैसी झील है दोस्तों एक खारे पानी की झील है एक ब्रैकिश वाटर तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो हमें झीलों को इस प्रकार से पढ़ना होगा जितनी भी झीलें हम पढ़ेंगे उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि ये मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है क्योंकि प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है और अगर आप मुख्य परीक्षा में आंसर लिख रहे हैं और मान लीजिए कि वहां पर वुलर झील के बारे में पूछा गया और अगर आपने यह नहीं लिखा आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित एक झील है आपको नंबर नहीं मिलेंगे आपको लिखना पड़ेगा कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है इट इज दार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक ऑफ इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर ठीक है सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर तो वो पूरा आपको कंप्लीट करना होगा तो ये पता होना चाहिए कि वो मीठे पानी की झील है या खारे पानी तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जल की प्रकृति के आधार पर वाटर के नेचर के बेसिस पर हम झीलों को दो प्रकार से बांटते हैं एक फ्रेश वाटर लेक और दूसरा सलाइन वाटर ठीक अब हमें चर्चा करना है कि सर उत्पत्ति के आधार पर क्या ओरिजिन के आधार पर हम झीलों को कितने भागों में बांट सकते हैं तो समझें इस बात को भी जरा ध्यान दें इस चीज के ऊपर कि उत्पत्ति के आधार पर हम झीलों को कितने भागों में बांट सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पर हम लेक को कितने भागों में बांट तो देखेंगे दोस्तों समझ लें इस बात को भी उत्पत्ति के आधार पर हम झीलों को दो भागों में बांटते एक होती है कृत्रिम झील कृत्रिम झील इसे मानव निर्मित झील भी कहा जाता है मानव निर्मित झील इंग्लिश में आर्टिफिशियल लेक या फिर मैन मेड लेक दो तो इसके नाम है कृत्रिम झील और दूसरी होती है दोस्तों प्राकृतिक झील दूसरी कौन सी होती है प्राकृतिक झील इसे इंग्लिश में नेचुरल लेक के नाम से जाना जाता है ठीक अब ये ओरिजिन के हिसाब से है दिस इज बेस्ड ऑन ओरिजिन ठीक ध्यान दीजिएगा समझिएगा इस बात पर तो उत्पत्ति का मतलब ये हुआ कि आखिर ये झीलें कैसे बनी हुई है तो दोस्तों इंसान ने भी बहुत सारी झीलें बनाई हैं मानव ने भी बहुत सारी झीलें बनाई है तो सर मानव झील कैसे बनाता है तो मानव झील का निर्माण करता है जब भी वो एक डैम का कंस्ट्रक्शन करता है जब भी वो एक बांध का निर्माण करता है तो जब भी दोस्तों हम एक बांध बनाते हैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये नदी बह रही है इस तरीके से ये नदी फ्लो कर रही है आपने क्या किया यहाँ पर एक बांध बना दिया यहाँ पर एक डैम बना दिया तो आप देखेंगे कि बांध के पीछे इतने बड़े भाग में बहुत बड़ी मात्रा में पानी कलेक्ट हो जाए तो इसी को या तो आप रिजर्वियर कह दीजिए या इसी को आप लेक कह दीजिए तो ऐसी बहुत सारी झीलें हैं भारत गोविंद सागर झील है गोविंद बल्लभ पंत झील है पेरियार नदी पर केरल में बनी हुई पेरियार झील है हीराकुंड बांध पर बनी हुई झील है तीन सागर परियोजना है वहां पर भी झील है तो ऐसी झीलों को हम क्या कहते हैं मानव निर्मित झीलें कहते हैं ऐसी झीलों को हम आर्टिफिशियल लेक के नाम से जानते हैं ठीक है ये बात समझ में आ रही होगी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक दूसरी बात आप समझें कि प्राकृतिक झील का अर्थ क्या है नेचुरल लेक का मतलब क्या है तो सिंपल सी बात है दोस्तों ऐसी झीलें जो कि प्राकृतिक कारणों से निर्मित हैं या ऐसी झीलें जिनका निर्माण प्राकृतिक कारकों से हुआ है ऐसी लेक जो कि नेचुरल फैक्टर से बनी हुई बात समझेंगे इस बात को कि ऐसी झीलें जो प्राकृतिक कारकों से निर्मित होती हैं, उन्हें प्राकृतिक झील कहा जाता है। ऑल द लेक्स विच आर फॉर्मड ड्यू टू नेचुरल फैक्टर अब सर ये तो कई प्रकार की हो सकती हैं। बोलो यस और नो नेचुरल लेक तो कई प्रकार की हो सकती है, तो हो सकती है? तो सर कुछ ज्वालामुखी से भी बन सकती हैं, कुछ नदी से भी बन सकती हैं, कुछ ग्लेशियर से भी बन सकती हैं। कुछ पवनों से भी बन सकती हैं कुछ विवर्तनिक क्रियाओं से भी बन सकती हैं तो इनके तो बहुत प्रकार हो सकते हैं नेचुरल रेक तो बहुत टाइप की हो सकती है जी हाँ ये बहुत प्रकार की होती है अगर हम प्राकृतिक झीलों के प्रकारों की बात करें अगर हम नेचुरल लेक्स के टाइप की बात करें दोस्तों तो आप समझ पाएंगे कि प्राकृतिक झीलें कई प्रकार की हैं जैसे एक इसमें प्रकार होता है ज्वालामुखी या क्रेटर झील इसी को वॉलकैनिक लेक भी कहते हैं इसी को क्रेटर लेक भी कहते हैं दूसरा एक प्रकार होता है हिमानी झील ग्लेशियल लेक अभी पढ़ाएंगे समझाएंगे आपको तीसरा एक प्रकार होता है लेगून झील चिल्का चिल्का जो है वो एक लेगून लेक का एग्जाम्पल है वेम्बनाड़ केरल में लेगून झील का उदाहरण है अष्टमुडी केरल में लेगून झील का उदाहरण है वैम्बानाटू केरल में लेगून झील का उदाहरण है कलीवेली तमिलनाडु में लैगून झील का उदाहरण पुलिकट आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर लैगून झील का उदाहरण ठीक है इसके बाद विवर्तनिक झीलें टेक्टोनिक लेक दुनिया की बहुत सारी झीलें टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी है डेड सी इसराइल के पास जो स्थित है मृत सागर वो इसी से बनी हुई झील है आज लाल सागर बन चुका है रेड सी बन चुका है वो एक समय झील हुआ करता था ठीक है इसके बाद नदीकृत झीलें इन्हें फ्लुवियल लेक्स कहा जाता है इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्लुवियल लेक कहते हैं ये नदी की वजह से बनने वाली झीलें तो नदी भी अपरदन और निक्षेपण के द्वारा एरोजन और डिपोजिशन की वजह से झीलों का निर्माण करती है इसमें गोखुर झील होती है ऑक्सबो लेक होती है इसमें डेल्टा झील होती है अर्थात डेल्टा टाइप की भी लेक होती है तो ये भी हम जानेंगे फिर वायु निर्मित झीलें जिन्हें प्लाया कहा जाता है इन्हें एओलिन लेक कहा जाता है एओलिन वायु की गतिविधि से हवा जब बहती है शुष्क प्रदेशों में तो वहां पर रेत को इस तरह से वो अपरदित करती है कि वहां एक गहरा गड्ढा हो जाता है और वो प्लाया लेक्स का निर्माण करती है इसका निर्माण करती है प्लाया लेक का निर्माण करती है ठीक है तो ऐसी झीलों को क्या बोलते हैं एयोलिन लेक्स बोलते हैं या प्लाया लेक बोलते हैं तो प्राकृतिक झीलों को कई प्रकार से बांटा जा सकता है नेचुरल लेक को कई टाइप से बांटा जा सकता है अब यहीं से सवाल आते हैं अगर आप एम सी क्यू उठा करके देखेंगे तो वो एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी झील नदीकृत है विच ऑफ द्लूवियल इन द नेचर चार ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी निर्मित है निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित है निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक क्रिया से बनी हुई है टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है तो झीलों के नाम पढ़ने से पहले अगर आप उनके प्रकारों को पढ़ लेंगे अगर बेसिक्स को पढ़ लेंगे दोस्तों तो मान के चलिए कि ये याद करना आसान हो जाए ये याद करना क्या हो जाएगा आसान हो जाए अंडरस्टूड बात समझ में आ रही है आपको यहां तक मेरी बात स्पष्ट है कमेंट करके बताइए बात स्पष्ट है या नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं एक एक करके इनके बेसिक्स को हम पढ़ लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ज्वालामुखी झील के बारे में कि आखिर वॉलकैनिक लेक का फॉर्मेशन कैसे हो तो समझेंगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे आसानी से आपको समझ में आएगा देखो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहां पर इस तरह से एक पर्वत है ये हमने एक पर्वत बना लिया माउंटेन बना लिया यहां से ज्वालामुखी का मैग्मा बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है ज्वालामुखी विस्फोट। ये पृथ्वी की आंतरिक अवस्था है तो यहां से मैग्मा बाहर की ओर आ रहा है अब जैसे ही मैग्मा बाहर की ओर आया तो एक अगली कंडीशन को इमेजिन करना कि जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो अब क्या हुआ पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है तो वो खत्म हो गया और यहां एक गहरा गड्ढा बन गया यहां क्या बन गया दोस्तों यहां पर एक गहरा गड्ढा बन गया सर कैसे बना गहरा गड्ढा इस विस्फोट ने क्या किया इस वॉलैनिक एक्टिविटी ने क्या किया दोस्तों कि ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से वॉलकैनिक इरप्शन की वजह से ये जो हिस्सा है ये उड़ गया हवा में ये क्या हो गया ये हवा में उड़ गया और फिर जब यह ज्वालामुखी शांत हुआ तो यहाँ पर एक कठोर परत बन गई और यहाँ एक गड्ढा बन गया फिर कुछ समय के बाद, जब पानी गिरा होगा जब रेनफॉल हुई होगी यहाँ बादल का निर्माण हुआ और पानी गिरा क्या गिरा पानी रेनफॉल और कुछ समय के बाद यहां पर पानी भर गया यहाँ वाटर भर गया तो दोस्तों ये जो गड्ढा बना है ना इस गड्ढे को ही हम क्रेटर कहते हैं इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं क्रेटर कहते हैं और इसमें ये जो पानी भर गया तो अब यहां पानी भरने की वजह से क्रेटर में जब पानी भर गया तो इसे हमने क्या नाम दिया कि सर, अब तो ये क्रेटर झील कहलाएगी सर अब तो इसे क्रेटर लेक कहा जाए अब क्या कहा जाएगा अब तो इसे क्रेटर झील कहा जाएगा अब तो इसे क्रेटर तो लेक का नाम दिया जाए अब यही चीज मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूं एक डायग्राम में देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगी आपको ये देखो अब यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ अब जैसे ही इरप्शन हुआ इतना हिस्सा आप देखिए ये अलग से आपको दिख रहा हो ये हिस्सा अगर इस हिस्से को आप ध्यान से देखेंगे तो उसने यहां पर एक गड्ढा बना दिया क्या बना दिया दोस्तों यहां पर एक गड्ढा बना दिया यहां एक बहुत बड़ा गर्त या बेसिन देखने में फिर क्या हुआ इसी गर्त में पानी भर गया और पानी भरने की वजह से यहां पर झील बन गई और ऐसी झील को हमने क्या नाम दिया कि सर ये क्रेटर में चूंकि पानी भरा है इसीलिए इसे क्रेटर लेक कहा जाएगा इसीलिए इसे ज्वालामुखी झील कहा जाए अब इसके उदाहरण भी जरा देख लें इसके एग्जाम्पल भी आप देख लें ठीक है तो उदाहरण अगर आप समझें इसके अलग अलग एग्जाम्पल आप समझें तो पहले मैं आपको विश्व में इसका एक उदाहरण बताता हूं वर्ल्ड में अब पहले बहुत सारे बताते अब एक ही समझ लीजिए तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका में एक झील है जिसका नाम है झील 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 का निर्माण इसी तरीके से हुआ है जो कि बोलेविया के पास स्थित है दक्षिण अमेरिका में साउथ अमेरिका ठीक है सर लेकिन वर्ल्ड से हमें उतना मतलब नहीं है आप ये बताएं कि भारत में इस झील का कोई उदाहरण है क्या इंडिया में इस लेख का कोई उदाहरण है क्या ठीक है समझिए तो दोस्तों हमारे प्यारे भारत देश में एक राज्य है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में एक जगह है और उस जगह का नाम है बुल्ढाना क्या नाम है बोलते रहना साथ ही साथ में चीजों को अगर बोलते रहोगे लिखो मत कमेंट करके लेकिन बोलते रहो ठीक है तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में एक जगह है बुल्ढाना बुल्ढाना में एक झील है दोस्तों और उस झील का नाम है लोनार झील कौन सी झील है लोनार झील कहां पर है दोस्तों महाराष्ट्र के बुल्ढाना कहां पर है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार नाम की एक झील है तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बहुत समय पहले शायद एक उल्का पिंड शायद एक उल्का पिंड अर्थात एक मिट्योरॉइट अंतरिक्ष से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया और इस जगह पर आकर के टकराया उस टक्कर की वजह से यहां ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ वॉलैनिक इरप्शन हुआ और वॉलकैनिक इरप्शन की वजह से क्रेटर बना इसी क्रेटर में पानी भर गया और इसकी वजह से एक झील बनी जिसे लोनार झील कहा जाता तो भारत के महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जो लोनार झील है वह भारत में क्रेटर झील के साथ साथ उल्का पिंड से बनने वाली एक झील का उदाहरण है वो एक मिटोरॉइड लेक भी है और साथ ही साथ वह एक वॉलकैनिक लेक भी है ठीक है मिटोरॉयड लेक भी है और वॉल्केनिक लेक भी है बात समझ में आ रहा है जी हाँ प्री मेन्स दोनों में काम आएंगे मैं अभी आप सभी के कॉमेंट लूंगा सभी लोगों के कमेंट लूंगा एक बार मुझे पढ़ा लेने दो दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट ठीक है तो ये चीज आप याद रखेंगे बोलो यस और नो बात समझ में आई क्लियर है या नहीं है क्लियर है या नहीं है ठीक है तो आइए इस चीज को जरा देख लेते हैं पर अब देखें यही चीज यहां लिखी हुई है सारे नोट्स नोट परेशान होने की जरूरत नहीं है समझना है बस ध्यान से चीजों को बाकी टेंशन मत लो ठीक है समझो बस ध्यान से तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित क्रेटर में पानी भरने से निर्मित झीलें लेक्स बाय बाय फिलिंग वाटर इन क्रेटर निक प्रोसेस उदाहरण तो भारत में इसका उदाहरण है लोनार झील बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र विश्व में इसके उदाहरण है टिटिकाका झील बोलेविया टाना झील इथियोपिया तर, ल, ये लोनार लेक कहाँ पर है तो ये देखिए दोस्तों ये महाराष्ट्र है ये नागपुर है तो नागपुर से कुछ दूरी पर आप जाएंगे तो बुल्ढाना दिखेगा इसी बुल्ढाना में लोनार लेक स्थित है इसी बुल्ढाना में लोनार झील अवस्थित है बात समझ में आ गई क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक अगले टॉपिक पे आते हैं सर अगला है लेगोन झील क्रेटर तो समझ में आ गया सर क्रेटर लेक क्या होता है अब थोड़ा सा लेगुन झील के बारे में बताएं लेगुन लेक के बारे में बताए समझना ध्यान से समझना अपने आप टॉपिक क्लियर हो जाएगा अब एक सिचुएशन को इमेजिन इमेजिन करो imagine करो कि ये जो हिस्सा मैंने यहाँ पर बनाया है ये जो इतना बड़ा भाग मैंने यहाँ बनाया है ये पूरा का पूरा भाग क्या है दोस्तों ये पूरा का पूरा भाग महासागर ये कौन सा हिस्सा है ये महासागर है इसको महासागर भी बोल सकते हो अच्छा हो तो इसे सागर भी बोल दो ओशियन बोल दो या सी बोल दो खाड़ी बोल दो जो भी आपका मन है बोल दो कोई दिक्कत नहीं आपके मन के हिसाब से चल लेते हैं भैया कोई समस्या वाली बात नहीं अब इसमें एक बात समझो कि मान लेते हैं कि सागरीय तरंगों की वजह से अब यहां पर हाँ यहां पर क्या है तो यहां महाद्वीप है ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा क्या है सर ये महाद्वीप स्थल वाला भाग लैंडमार्क अब एक सिचुएशन को इमेजिन करना एक परिस्थिति के बारे में सोचना कि ये महाद्वीप है, तो यहां से सागर की तरंगे लगातार इसमें रही बोलो यस और नो। यहां पर क्या है सागर की तरंगे इसमें टकरा रहे हैं इसमें लगातार टकरा रहे हैं अब टक्कर की वजह से यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों कि थोड़ा सा यहाँ कुछ भाग इकट्ठा हो गया ये इस तरीके से अवसाद इकट्ठे हो गए सेडिमेंट इकट्ठे हो गए कुछ समय के बाद यहां भी कुछ सेडिमेंट इकट्ठे हो गए ठीक है तो एक बात समझे आप यहाँ पर कि यहाँ पे कुछ अवसाद इकट्ठे हुए कुछ सेडिमेंट इकट्ठे हुए फिर यहां पर कुछ और सेडिमेंट इकट्ठे हुए कुछ समय के बाद यहाँ भी अवसाद आए और कुछ समय के बाद यहाँ भी अवसाद आए अब एक ऐसा हिस्सा बन गया दोस्तों यहाँ पर अवरोधक आ गए तो इस हिस्से को पता है क्या कहते हैं इस हिस्से को सैंड बार कहते इसे हम रोधिका कहते हैं कई जगह रोधिका स्तूप कहते हैं इसी को हम अवरोधक कहते हैं तो इसने क्या कर दिया इसने एक प्रकार से समुद्र के इतने हिस्से को समझना, समुद्र के इतने हिस्से को बाकी समुद्र से अलग कर दिया तो यहां क्या बन गया अब ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं ना दोस्तों यहां पर ये वाला हिस्सा तो यहां क्या बन गया यहां पर तो एक झील बन जाएगी यहां पर एक लेक का फॉर्मेशन होगा और इस झील को क्या कहेंगे सर ऐसी झील झील को को कहा जाएगा ऐसी लेक को लेगून लेक का नाम समझ में आई बहुत सिंपल कंसेप्ट है बहुत सिंपल है यहां पर क्या हुआ धीरे धीरे अवसाद इकट्ठे हुए सर अवसाद का मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी सर ये अवसाद कहां से आए ये सेडिमेंट कहाँ से आए पर सागर की तरंगे लेकर के आई ये जो सी वेव्स हैं ये लेकर के आई धीरे धीरे उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया पहले यहां पर कुछ इकट्ठा हुआ ये अवसाद बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने समुद्र के इस हिस्से को मुख्य समुद्र से अलग कर दिया और यहाँ कैसी झील बनी तो यहाँ एक झील बनी जिसे लेगून लेक कहते हैं लेकिन 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 ये बात समझिएगा दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये जो लैगून झील है ये हमेशा समुद्र से पूरी तरह अलग हो हो सकता है कि पूरी तरह अलग हो या हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्थान यहाँ पर खाली रहे ये भी हो सकता है कि सर इतना सा इलाका यह भी हो सकता है कि खाली रहे तो आधा तो जो हिस्सा जुड़ा हुआ है मान लो यहां से इतना हिस्सा जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर हो सकता है कि कनेक्टेड ना हो तो ये अंशतः या पूर्णतः समुद्र के साथ अलग हो सकती है या नहीं भी हो सकती ठीक है अब इसका एक डायग्राम देखो आपको डायग्राम देखने के बाद ये चीज बहुत अच्छे से समझ में अब ये जो झील आप यहां देख रहे हैं ये पहले समुद्र का ही हिस्सा थी इट वॉज पार्ट ऑफ ओशियन लेकिन क्या हुआ दोस्तों यहां पर अवसाद इकट्ठे हो गए यहां पर क्या इकट्ठे हो गए यहां पर सेडिमेंट इकट्ठे हो गए इस तरह से और इससे क्या हुआ ये हिस्सा इससे दूर हो गया तो यहाँ एक झील बन गई और इस झील को हमने क्या नाम दिया सर इसे लेगून नाम दिया क्या नाम दिया इसे हमने लैगून नाम दिया बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है यस और नो ठीक है अब एक बात समझो सर इसका कोई उदाहरण है जी हाँ इसका उदाहरण अगर हम भारत की बात करें अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में इसके बहुत सारे उदाहरण भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों नंबर वन चिलका झील कौन सी झील चिलका झील पर कहां पर है चिलका झील उड़ीसा में है भारत की सबसे बड़ी झील इंडिया की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील इसका एक और उदाहरण है दोस्तों पुलिकट झील पुलिकट झील सर पुलिकट झील कहां पर है तो दोस्तों इसका चौरासी प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है और 16 प्रतिशत हिस्सा तमिलनाडु में आता है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है सर और कोई भी उदाहरण है और कोई एग्जाम्पल भी है और भी उदाहरण समझ लो इसका एक और उदाहरण है दोस्तों कली वैली झील कली वैली लेक सर कहां पर है यह झील तमिलनाडु में है ठीक सर और कोई उदाहरण जी हाँ इसका उदाहरण केरल में देखने मिलेगा तो केरल में इसके दो तीन उदाहरण है एक है वेम्बनाड झील वेम्बनाड लेक ठीक है और एक है अष्टमुडी लेक अष्टमुडी लेक ये सब किसके उदाहरण है ये सब लैगून झीलों के उदाहरण है ये सब लैगून के एग्जाम्पल याद रखना झीलों के नाम जितनी बार बोलोगे ना उतनी जल्दी याद होंगी लोनार कहां पर है याद हो गया सर ये महाराष्ट्र बुल्ढाना में है बोल दो ना दो तीन बार चिल्का कहां पर है उड़ीसा में है कैसी झील है लैगून झील है पुलिकट कहां है सर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है कैसी झील है लैगून झील है कलीवेली झील कहां है तमिलनाडु में है कैसी है लैगून है वेम्बनाड और अष्टमुडी कहां पर है केरल में है सर कैसी झील है लैगून झील है अब एक और डाउट आना चाहिए क्या लैगून झील का पानी हमेशा खारा होगा क्या यह मैंडेटरी है कि अगर लैगून लेक है तो उसका पानी हमेशा खारा ही हो यह जरूरी नहीं है दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी यह जरूरी नहीं है चिल्का का पानी डेफिनेटली ब्रैकिश वाटर लेकिन जब आप वेम्बनाड की बात करेंगे तो वेम्बनाड झील का जो हिस्सा नदियों के पास है वहां मीठा पानी है और जैसे ही वो नदी समुद्र के पास आता जाएगा जैसे ही वो अरब सागर के पास आता जाएगा पानी में खारापन बढ़ता जाएगा पानी में जो सेलिडिटी का लेवल है वो इंक्रीज होता जाए तो दिस इज नॉट मैंडेटरी कि हमेशा पानी खारा हो ऑल दो 99% केसेस में पानी खारा मिलेगा पर सिर्फ खारा पानी मिलेगा ये स्टेटमेंट गलत होगा ठीक है दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग क्लियर बात समझ में आ रही है चलो ध्यान दो अब बात को समझो यहां पर ओके okay. बस समझे लैगून झील परिभाषा सागर या महासागर के किनारे एक ऐसी जलराशि जो किसी स्थलीय अवरोध द्वारा सागर या महासागर के जल से यह अंशतः अलग होती है लेगून इज अलो बॉडी ऑफ वॉटर दैट इज सेटेड फ्रॉम अजर बॉडी ऑफ वॉटर ठीक है? ये है जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है ठीक वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है अगली बात उदाहरण चिल्का उड़ीसा पुलिकट आंध्र तमिलनाडु वेम्बनाड केरल अष्टमुडी केरल कलीवेली तमिलनाडु ठीक तो दो झीलें समझ ली क्रेटर झील भी समझ ली और क्रेटर के बाद हमने लैगून झील भी समझ ली लैगून लेक भी क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर आते हैं ठीक है अच्छा केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है ये भी याद रखिएगा केरूल केरल में लैगून झील को क्या कहा जाता है कयाल कहा जाता है दैट इज इंपॉर्टेंट याद रखना इस पॉइंट को भी ठीक चलिए अब हम चर्चा करते हैं नदीकृत झीलों की लूबियल लेक्स की अर्थात ऐसी झीलें जिनका निर्माण नदियों की वजह से होता है ऐसी लेक्स जो कि रिवर की, की वजह से, से फॉर्म होती है किसकी वजह से फॉर्म होती है रिवर्स की वजह से फॉर्म होती है नदियों की वजह से बनती है तो दोस्तों नदी की वजह से दो प्रकार की झीलें सामान्यतः बनती हैं रिवर्स की वजह से दो टाइप की झील बनती है एक बनती है ऑक्सबो जिसे हिंदी में गोखुर झील कहा जाता क्या कहा जाता है हिंदी में गोखुर झील कहा जाता और दूसरी बनती है दोस्तों डेल्टाई झील डेल्टाई झील जिसे इंग्लिश में डेल्टा लेक के नाम से जाना जाता तो समझेंगे ये दोनों झीलें कैसे बनती हैं आप दोनों के बारे में समझ पाएंगे आवाज स्लो आ रही है मैं अगले बार से तेज करा दूंगा थोड़ा सा एडजस्ट इस क्लास में कर लीजिए अगले बार से हम यहाँ से आवाज बढ़वा देंगे ठीक है चलो अभी ध्यान दो ऑक्सबुक के बारे में पहले पहले डेल्टा समझ लो बहुत आसान है देखो तो डेल्टा कैसे बनता है तो दोस्तों जब भी एक नदी ऐसे रास्ते पर बहे जहां पर ढाल प्रवणता कम हो जहां पर क्या हो ढाल प्रवणता बहुत कम हो जहाँ स्लोप ग्रेडियंट बहुत कम होता है ढाल प्रवणता का मतलब है जहाँ तीव्र ढाल नहीं होता या ढाल में अंतर कम होता है। तो जब ये नदी बिल्कुल अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो नदी इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है बहना कि ये कई धाराओं में टूट जाती इसका पानी कई अलग अलग, अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है कई अलग अलग स्ट्रीम्स यहां से बन जाते तो जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचे और इस तरह से अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाए तो इसको डेल्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों इसको डेल्टा बोलते हैं और इसी डेल्टा के बीच में अगर किसी झील का निर्माण हो जाता है तो ऐसी झील को डेल्टाइक लेक कहते हैं ऐसी झील को डेल्टाई झील कहते हैं सर क्या भारत में इसका कोई उदाहरण है इंडिया में क्या इसका कोई एग्जाम्पल है बिल्कुल है दोस्तों देखिए भारत में डेल्टा झील का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है भारत में एक राज्य है और इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य है दोस्तों तो भारत में एक राज्य है और राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश दोस्तों आंध्र प्रदेश में दो नदियां अपना मुहाना बनाती हैं दो बड़ी नदियां अपना मुहाना बनाती हैं एक नदी का नाम है गोदावरी एक नदी कौन सी है गोदावरी और एक नदी है कृष्णा एक नदी कौन सी है कृष्णा इसे के जी भी कहा जाता है कृष्णा गोदावरी के जी बेसन तो ये दोनों नदियां आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है और आंध्र प्रदेश में जहां इन नदियों का मुहाना बनता है वहीं पर एक झील है दोस्तों और उस झील को कहा जाता है कोलेरू लेक क्या कहा जाता है कोलेरु लेक तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो कोलेरु झील है वो डेल्टा झील का एक उदाहरण है जो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के पास बनी हुई और इसमें कैसा पानी होगा तो सर ऐसे में मीठा पानी है इसमें फ्रेश वाटर कैसा पानी है फ्रेश वाटर मीठा पानी कैसा पानी है मीठा पानी है फ्रेश वाटर है तो याद रखिएगा भारत में डेल्टा झील का एक उदाहरण है अब देख लो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लो चीजों के बारे में अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे इंडिया का नक्शा देखेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सी झील यहां दिखेगी तो सर यहां हमें दिखेगी चिल्का झील कौन सी झील चिल्का कमेंट करके बताओ कहां पर है तो जवाब दोगे सर ये उड़ीसा में है बात समझ में आई चिल्का के जैसे ही नीचे आओगे तो कहाँ आ जाओगे सर हम आंध्र प्रदेश आ जाएंगे आंध्र प्रदेश में कौन सी झील मिलेगी सर यहाँ हमें कोलेरू लेक मिलेगी कौन सी झील मिलेगी कोलेरू कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में थोड़ा और नीचे आओगे तो कौन सी झील मिलेगी सर यहाँ पर हमें एक झील मिलेगी इस झील का नाम है पुलिकट पुलिकट सर कहाँ पर है सर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है चौरासी प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश में सोलह प्रतिशत हिस्सा तमिलनाडु में थोड़ा और नीचे आओगे तो कौन सी झील मिलेगी सर थोड़ा और नीचे आएंगे तो एक झील मिलेगी कलीवेली लेक। कलीवेली झील कहाँ पर है तमिलनाडु में तो एक क्रम भी याद हो गया क्योंकि अब सवाल ऐसे आने लगे हैं कि उत्तर से दक्षिण जमाओ दक्षिण से उत्तर जमाओ ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि लेक को नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जमाओ तो अगर ये चारों लेक के नाम आपको दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जमाओ तो क्या जमा पाओगे जमा पाओगे या नहीं बोलो यस और नो जमा पाओगे तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है इस तरह से इनके जवाब आपको बनाना है बात समझ में आ रही है आपको ठीक है क्लियर है क्लियर है ठीक है चलो तो ये तो हो गया सर किसकी बात ये तो चर्चा हो गई सर डेल्टा झील की अब ये बताइए कि ऑक्सबो लेक कैसे बनती है गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है तो दोस्तों जब एक नदी जब एक नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वो सबसे पहले क्या काम करती है वो निक्षेपण का काम करती है वह डिपोजिशन का काम करती है मैं हमेशा अपनी क्लास में इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे ही एक नदी पहाड़ों में अब पहाड़ों में कितना कष्ट जायी जीवन है नदी का बहुत सारे अवसाद को लेकर के बहना है बहुत तेजी से बहना है बीच में पर्वत आ रहा है उसको काटना है तो बहुत समस्याओं का सामना करके आता अब जैसे ही नदी को मैदान मिला नदी बिल्कुल पागल नदी बेहद खुश बिल्कुल गिल हमारी भाषा में और फिर नदी ने क्या किया जैसे ही नदी को मैदान मिला वो ऐसे इस तरह से बहना शुरू हो बोलते हैं ना खुशी में यहां वहां बहरा रहे हैं तो इस तरह से बहना शुरू हो जाती है और क्यों ऐसे बह रही है तो इस तरह से वो विसर्प का निर्माण कर इस तरह से वो मींडर का फॉर्मेशन करती है किसका निर्माण करती है मियंडर का निर्माण करती है विसर्प का निर्माण ठीक लेकिन कुछ समय के बाद ये तो नदी ने निक्षेपण किया डिपोजिशन किया अब नदी में अपर्दन होगा अर्थात नदी में कटाव होगा कुछ समय के बाद क्या होगा मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा अभी तो उसने यह विशर्भ बना लिया ये बना लिया। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि यहां से नदी में अपर्दन हो गए ये हिस्सा कट गया अब जैसे ही ये हिस्सा कट गया तो अब नदी सीधी बहने लगी लेकिन यहां पर यह हिस्सा टूट गया तो इसके बीच में स्थल है लेकिन चारों तरफ इसका पानी है तो दूर से देखने पर यह ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गाय का खुर हो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया ऑक्सबो लेक इसे नाम दे दिया गया गोखुर झील बात समझ में आई इसको क्या नाम दे दिया गया ऑक्सबो लेक अर्थात गोखुर झील तो नदी के अपर्दन निक्षेपण से जो झील बनी है उसे ऑक्सबो लेक कहा गया है गोखुर झील का नाम दिया गया सर क्या इसका कोई उदाहरण है इसका कोई एग्जाम्पल है जी हाँ इसका भारत में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दोस्तों और वो उदाहरण है याद रखना ये सवाल जरूर पीएससी में आ सकता है उस उदाहरण का नाम है कन्वर झील कौन सी झील याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है कनवर झील कहाँ पर है सर बिहार में है बिहार में कहां पर है बेगूसराय कहां पर है बिहार में बेगूसराय पर कौन सी नदी ने बनाया है इसको तो इसे बनाने वाली जो नदी है वो नदी है बूढ़ी गंडक नदी और ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है इट इज एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इट इज एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम दिखाता हूँ समझिएगा इस चीज को याद रखने वाली चीजें हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों ये देखो ये है कन्वर झील देख रहे हैं आप यहाँ से नदी कट चुकी है यहाँ पर एक झील बन गई अब यहाँ आपको इतना सा दिख रहा होगा कहेंगे सर इसको क्यों लेक बोल रहे हैं भाई यहाँ छोटा सा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ी झील ठीक है ये बहुत बड़ा इलाका है ये देखिएगा इसको बहुत बड़ा इलाका है यहाँ माइग्रेटेड वर्ड भी आते हैं यहाँ माइग्रेटेड वर्ड भी आते हैं कन्वर लेक ठीक है कनवर है अब देखिए ये जो मैप आपको दिखा रहा था चिलका लेक उड़ीसा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश पुलीकट आंध्र और तमिलनाडु की कनवर लेक ठीक आइए पढ़ लेते हैं कुछ बातें है। जान लेते हैं कुछ बातों के बारे में नदीकृत झीलें नदियों के अपर्दन निक्षेपण से बनने वाली झीलें हैं गोखुर झील नदी विषर्पों के मुख्य धारा से कटने के कारण निर्मित झील यू शेप्ड लेक फॉर्म व्हेन रिवर्स वाइड कट ऑफ उदाहरण कन्वर झील या काबर झील कहाँ पर है बिहार बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे डेल्टाई झील क्या होती है डेल्टा क्षेत्र में विकसित मीठे पानी की झील उदाहरण कोलेरू झील कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के पास है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास स्थित बताइए बात समझ में आई बात समझ में आई यहाँ तक मेरी बात स्पष्ट है क्लियर है बोलो यस और नो बात समझ में आ रही है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं ठीक चलिए अब ये सारे नोट्स हैं परेशान नहीं होना है, सारी चीजों के नोट्स हैं बस समझो यहाँ पर क्लास में बैठ कर के चीज़ों को समझो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए वहाँ आपको मिल जाएंगे ठीक है टेलीग्राम की लिंक आपको पिन कर दी जाएगी कमेंट बॉक्स में भी साथ ही साथ अदरवाइज आप एमपी एग्जाम या एमपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडीज सर्च करेंगे तो आ जाएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं देखें अगले टॉपिक को समझे एक दो लेख और बची है अगला है सागर के अपगमन से निर्मित झीलें लेक

अरब सागर में डूबा हुआ था अरेबियन सी में डूबा हुआ फिर कुछ ऐसी घटना हुई फिर कुछ ऐसी गतिविधि हुई कि यहाँ से अरब सागर जो है वो पीछे की ओर हट गया। एक्चुअल में अगर आप भारत का, अगर आप पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे अगर आप अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा है जो सी लेवल है वो इंक्रीज हुआ है एट द सेम टाइम समुद्र का जल स्तर कम भी हुआ है सी लेवल डिक्रीज भी हुआ है तो ऐसा कई बार पृथ्वी के लगभग चार अरब साल के इतिहास में हो चुका है तो ये माना जाता है कि यहाँ पर अरब सागर का एक समय हिस्सा था कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से समुद्र स्तर कम हुआ यहाँ से पानी पीछे की ओर चला गया अब जैसे मान लो दोस्तों एक बात समझना आप एक उदाहरण के तौर पर समझना जैसे यहां पर एक जमीन है यहाँ पर एक जमीन है लेकिन इस जमीन में इस तरह से बहुत सारे गड्ढे हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो पूरी की पूरी जमीन है ये पानी में डूबी हुई है ये में डूबी हुई है पानी में डूबी हुई है अरब सागर में डूबी हुई है अब हमें ने आपसे कहा कि यहां से पानी को पीछे हटा लो यहाँ से जो अरब सागर है वो कहाँ हट गया वो पीछे चला गया सर यहाँ से अरेबियन सी का रिसेशन हो गया अरब सागर का पीछे हटना अरेबियन सी का रिसेशन तो यार पानी इस जमीन को तो छोड़ देगा लेकिन क्या इन गड्ढों को छोड़ पाएगा नहीं छोड़ पाएगा तो अगली स्थिति यह बनेगी कि सर पानी तो पीछे चला गया लेकिन इन गड्ढों में अब भी पानी रह गया और चूंकि ये पानी किसका है समुद्र का पानी ये किसका पानी है समुद्र का पानी है तो ये पानी कैसा है दोस्तों ये पानी खारा पानी खारा हो। तो तो पर भी क्या बन गई? तो सर हमने अभी पढ़ा था कि पृथ्वी पर अगर एक बड़ी जलराशि जो चारों तरफ से स्थल से घिरी हुई हो तो उसे हम क्या बोलते हैं सर उसे हम झील बोलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी खारे पानी की झीलों का निर्माण हो गया यहां पर बहुत सारे सॉल्ट वाटर लेक का फॉर्मेशन तो राजस्थान और गुजरात में विशेष तौर पर इनके पश्चिमी हिस्सों में इनके वेस्टर्न साइड पर आपको बहुत सी खारे पानी की झीलें देखने मिलेंगी बहुत सी सेलाइन वाटर लेक देखने के लिए मिलेंगे क्या इसका कोई उदाहरण है इसका कोई एग्जाम्पल है ठीक है तो इसका जो उदाहरण है दोस्तों इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हमें राजस्थान में देखने में राजस्थान वाले क्षेत्र में एक झील है और इस झील का नाम है सांभर झील कौन सी झील है सांभर झील अजमेर और अजमेर और जयपुर के बीच में सांभर झील है अजमेर और जयपुर के बीच में सांभर झील है खारे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील है इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड वॉटर लेक है ये इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड वॉटर लेक इसी तरह से राजस्थान में ही एक और झील है दोस्तों जिसे कहा जाता है लूण करण सागर ये भी राजस्थान में है राजस्थान में ही एक और झील है जिसका नाम है डिडवाना झील डिडवाना लेक ठीक है ये सब राजस्थान की झील है सब राजस्थान की खारे पानी की झील है सेलाइन वाटर लेक है दो कैसी लेक है सेलाइन वाटर लेक ठीक है यहीं पर एक और झील है पंचभद्रा पंचभद्रा झील ये भी खारे पानी की झील सेलाइन वाटर लेक तो चाहे सांभर झील की बात कर लें लूणकरण सागर की बात कर लें डिडवाना झील की बात कर लें पंचभद्रा झील की बात कर लें ये सब खारे पानी की ये सब सेलाइन वाटर लेक कैसे बनी है सागर के अपगमन से बनी है रिसेशन ऑफ सी की वजह से बनी हुई बात समझ में आ रही है आपको ठीक है किसकी वजह से बनी हुई है रिसेशन ऑफ सी की वजह से बनी हुई और याद रखिएगा इस चीज को ये जो सांभर झील है सांभर लेक है ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है मतलब जो समुद्र के पास नहीं है स्थल में है अंदर की ओर है इट इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्टॉटर कौन सी झील सांभर झील कहां पर है राजस्थान में जयपुर अजमेर के बीच में ठीक तो इसे हम कैसी झील बोलते हैं ऐसी झीलों को हम सागर के अपगमन से निर्मित बोलते हैं ठीक है अब एक और टाइप समझ लीजिए बस एक दो पांच मिनट और लूंगा फिर क्लास खत्म कर देंगे ये टॉपिक खत्म हुआ क्योंकि आज हमें यह खत्म करना है कल झीलों के बारे में पढ़ना है कल नाम याद करना आज कंसेप्ट कल हम फैक्ट्स पे बात करेंगे ऐसी ही एक झील होती है हिमानी से बनने वाली झील ग्लेशियर से बनने वाली झीलें जिन्हें टॉर्न झील या पैटनास्टर है, पैटरनास्ट लेक कहते हैं या टॉर्न लेक कहते हैं तो देखो दोस्तों हिमानी का अर्थ क्या है ग्लेशियर का अर्थ क्या है तो बर्फ की बड़ी सी नदी को ही हम क्या बोलते हैं ग्लेशियर बोलते जब बहुत बड़ा आइस बहता है धीरे धीरे गति करती हुए बर्फ की बहुत बड़ी राशि को हम हिमनद बोलते अ लार्ज अमाउंट ऑफ आइस दैट इज मूविंग इज नोन एज द ग्लेशियर ठीक है हिम हिम एक बहुत बड़ी हिम राशि जो कि लगातार गति कर रही है उसे हम हिमनद के नाम से जानते उसे हम क्या बोलते हैं हिमनद के नाम से जानते हैं

का निर्माण होता है और जब इस गर्त में पानी भर जाता है जब इसमें वाटर आ जाता है तो यहाँ पर, पर एक झील बन जाती है तो ऐसी झीलें जो कि हिमनद के द्वारा बनाए गए गर्तों में निर्मित होती हैं उन्हें हिमानीकृत झील कहा जाता है लेक दैट इज फॉर्म्ड बाय दी बेसिन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर इज नोन एज ग्लेशियल लेक समझिएगा इस बात को बहुत important है सर उदाहरण ऐसी झीलें भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में पाई जाती विशेष तौर पर उत्तराखंड में क्या है दोस्तों एक बात हम सभी लोगों ने पढ़ी है अगर आपने हिमालय वाली क्लासेस मेरी अटेंड की है तो हिमालय की हमने आपको एक बात बताई थी कि यह हिमालय पर्वत है दिस इज हिमालय माउंटेन धनुषाकार तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो हिमालय का मध्य भाग है। जो हिमालय का सेंट्रल हिस्सा है सेंट्रल पार्ट है जो मध्य भाग है वो सबसे ऊंचा है जो उत्तराखंड और नेपाल वाले हिस्से में है उत्तराखंड नेपाल सिक्किम यहां पर जो वृहद हिमालय है वो सबसे ऊंचा हिमालय तो यहां पर जो हिमालय है जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो यहीं पर क्या बतेंगे सर जब हाइट ज्यादा होगी तब टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होगा तो पानी किसमें बदल जाएगा सर पानी बर्फ में बदल जाएगा तो सर यहां पर हिमानी का निर्माण होगा ग्लेशियर का निर्माण तो जहां पर ग्लेशियर बन रहे हैं हिमाचल में इस वाले क्षेत्र में यहीं पर उसका अपर्दन होगा और यहां पर अपर्दन होगा दोस्तों तो अल्टीमेटली यहीं पर यहीं पर हिलों का निर्माण होगा तो अधिकांश जो हिमानी झीलें हैं वो उत्तराखंड और हिमाचल में देखने के लिए मिलती वो कहाँ देखने मिलती हैं? उत्तराखंड और हिमाचल में देखने के लिए मिलती है बिल्कुल सही पढ़ा है अगर आपने वायु निर्मित झील में पढ़ा है जतारा वो भी बिल्कुल सही उसके दो अलग अलग रीजन दिए जाते हैं ठीक है क्या कहा जाता है दो अलग अलग रीजन दिए जाते ठीक चलिए समझिए इस बात को तो इसके उदाहरण क्या है एग्जाम्पल क्या है नैनीताल भीमताल सात ताल रूपकुंड पूना ताल, समताल सम ताल, ताल, नौकुछिया ताल सर ये कहां पर हैं? ये सारी झीलें उत्तराखंड में हैं। ठीक है ये सारी झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड ठीक ये सारी लेक्स कहां पर हैं? उत्तराखंड एक बार फिर से नैनीताल भीमताल सात ताल, भीम ताल, ताल रूपकुंड जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है ये एक ऐसी झील है जिसके किनारे मानवों के बहुत सारे कंकाल पाए गए हैं इसे रहस्यमय लेक भी कहा जाता है रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड में ठीक है मालवाताल ताल समताल सम ताल, ताल और नौकुछिया ताल ये सारी इंपॉर्टेंट लेक हैं ये सारी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि उत्तराखंड में ठीक है चलिए अब कृत्रिम झीलें मैंने आपको बढ़ा दी मानव निर्मित झीलें डैम के पास झील गोविंद सागर झील कुड़ाई कनाल झील तमिलनाडु में ये सब है एक झील और है तर विवर्तनिक झील लेक क्या होता है ये आखिरी टॉपिक आज का विवर्तनिक झीलें क्या होती है? ठीक तो देखिए विवर्तनिक गतिविधियों जैसे भ्रंशन वलन आदि से निर्मित झीलें लेक फॉर्मड ड्यू टू दी टेक्टोनिक एक्टिविटीज लाइक फोल्डिंग फॉल्टिंग एटसेट अब समझो एक बात को जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा पूरा एक एक स्थलीय भाग है। मान लेते हैं। अब इसमें सिचुएशन को इमेजिन करो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर एक हलचल हुई कुछ भी हो सकता है और इस हलचल की वजह से क्या हुआ ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की ओर धस गया तो अब कहानी कैसी हो गई इस प्रकार से क्यों क्योंकि यह हिस्सा नीचे की ओर धस गया है इसमें धसाव आ गया है। क्यों धसा ये हिस्सा? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से कोई बल आया जिसकी वजह से यह हिस्सा नीचे की ओर आ गया तो यहां पर एक गर्त का निर्माण हो गया यहां एक डिप्रेशन का निर्माण हो गया और कुछ समय के बाद यह जो गड्ढा यहां पर बना ये जो डिप्रेशन यहाँ पर बना इसी गर्त में क्या आ गया तर इसी गर्त में पानी भर गया इसी में वाटर भर गया तो यहां पर क्या बन गई एक झील बन गई तो जम्मू कश्मीर में भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्या नाम है कमेंट करके बताइए तो जम्मू कश्मीर में भारत की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिस झील का नाम है वुलर झील उसका निर्माण इसी तरह हुआ है वहां पर एक गर्त बना पृथ्वी में कुछ हलचल हुई उस हलचल की वजह से एक हिस्सा नीचे चला गया जो हिस्सा नीचे गया यहाँ पर पानी भर गया यहाँ पर वाटर आ गया और यहाँ एक झील का निर्माण हो गया तो ये तो धसाव की वजह से बनी ये किसकी वजह से बनी धसाव की वजह से डिप्रेशन की वजह से दूसरा तरीका ये भी हो सकता है दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चट्टान है और यहाँ ये दूसरी चट्टान ठीक है यह है चट्टान ए और यह है चट्टान बी अब इन दोनों के बीच में तनाव मूलक बल काम कर जाए इन दोनों के बीच में टेंशनल फोर्स काम कर रहा है टेंशनल फोर्स मतलब जो इन दोनों को अलग अलग करना चाह तो अब इस टेंशनल फोर्स की वजह से क्या होगा यहां पर ए और बी के बीच में शुरुआती चरण में आप देखोगे ए और ये बी है यहां पर इन दोनों के बीच में आप शुरुआती चरण में देखोगे कि यहां एक छोटा सा दरार आ जाएगी पहले एक छोटी सी दरार आएगी इस तरीके से एक दरार आएगी ए और बी के बीच में और इस दरार को ही हम क्या बोलते हैं भ्रंश बोलते हैं फॉल्ट बोलते हैं इस दरार को ही हम क्या बोलते हैं तो सर इस दरार को हम भ्रंश बोलते हैं इसी को हम फॉल्ट और इसमें पानी भर जाएगा वाटर आ जाएगा तो ऐसी झील को आप कहोगे भ्रंश झील ऐसी झील को आप क्या कहोगे फॉल्ट लेक इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है मृत सागर इसका बहुत बढ़िया उदाहरण पहले रहा है लाल सागर ठीक है रेड सी अब तो वो सागर ही बन गया पर पहले वो एक झील था अभी मृत सागर इसका उदाहरण इसका उदाहरण है मृत सागर इसका एक एग्जाम्पल तो फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि भारत में विवर्तनिक झील का उदाहरण कौन सा है वुलर झील है वुलर ले। तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक था याद रखिएगा आज की जो क्लास है वो मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल क्लास आज की क्लास में हमने अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमने झीलों के परिचय और वर्गीकरण की बात कर ली हमने झीलों के मुख्य प्रकार और उदाहरण की बात कर ली कल फैक्चुअल टॉपिक होगा कल हम झीलों को याद कर रहे होंगे

बारह महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा अठारह महीने की इसकी वैधता होगी और जानकारी मिल जाएगी थैंक यू सो मच कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय आठ बज के पैंतालीस मिनट पर और हम झीलों के दूसरे पार्ट के बारे में पर्चा कर रहे होंगे ठीक थैंक यू सो मच टेक केयर गॉड ब्लेस यू गुड नाइट जय हिंद जय भारत